अयोध्या पर हक राम का है और देश पर हक राम का है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, कोई बाबर का, अकबर का, औरंगजेब का जन्म वहाँ पर नहीं हुआ। और ये जो निर्णय हुआ है इसमें तथ्य है, इसमें सत्य है, इसमें ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं, उनका ध्यान रखा गया और आस्था का भी ध्यान रखा गया, और साथ साथ में मुस्लिम समुदाय के भी विश्वासों का ध्यान रखते हुए उनको भी मस्जिद के लिए जगह दी गई है। तो इससे श्रेष्ठ फैसला कुछ नहीं हो सकता था और सारा देश इसका सम्मान कर रहा है। मजहबी तौर पर कुछ लोग आपस में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, इस देश में दंगे फसाद कराना चाहते हैं, वो जरूर संतुष्ट नहीं है। देखो, सब तो संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते, ना कभी दुनिया में हुए। राम से भी रावण संतुष्ट नहीं थे, कृष्ण जी से भी कंस संतुष्ट नहीं थे, तो हम ये कैसे माने कि आज के न्यायालय के फैसले से सब संतुष्ट हो जाएंगे? लेकिन जो देश के संविधान में और कानून में, लोकतंत्र में जो विश्वास रखता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए। अब ओवैसी जैसे कुछ सिरफिरे लोग हैं, वो कहते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय को तो मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन जो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ इसको नहीं मानते। ये कैसी बहकावी वाली बातें। वो कहते हैं कि हम अपने नस्लों को बताएंगे कि यहाँ 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ी गई थी, तो फिर मैं उसका जवाब देता हूँ कि सैकड़ों मंदिर तोड़े थे, हम अपने नस्लों को बताएंगे किस किस तरह से कुछ मुस्लिम बादशाहों ने इस देश में क्रूरताएं की, जुल्म ज्यादतियां की, और तलवार के बल पर जो है मजहब बदला, वो हम सब बताएंगे, तो देश को कहाँ लेकर के जाएंगे। तो बाबा, एक ऐसा सम्मान है, कह भी रहे कोर्ट कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा सम्मान करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। देखिए, मैंने दो बातें मैं कहूँगा। एक तो कोर्ट के बारे में ना, जो है बहुत हो गया, अभी तो सैकड़ों वर्षों के बाद कोई फैसला आया, उसका तो सम्मान करो। दूसरा, किसी भी मजहब ने, किसी भी जाति कोम ने, किसी भी तौर पर कोई, यदि पहले में कोई हम पिछली बातों को लेकर के और आपस में अपने कौम के अंदर, अपने मजहब के अंदर, लोगों के अंदर घृणा, विद्वेष और प्रतिशोध और नफरत पैदा करना चाहते हैं ना, वो ठीक है। मैं इसलिए बार बार कहा कि हमें यहाँ तक कि हिंदू भाइयों को भी कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए जहाँ किसी को लगे कि हम हार गए, ये जीत गए, गुस्सा, प्रतिशोध या किसी इस तरह से ऊंच नीच का भाव ना आए। इसलिए मैंने तो आह्वान किया कि मंदिर में अब मुस्लिम भाइयों को सहयोग करना चाहिए कि हम इसमें डोनेशन दें, चाहे 1 रुपया दें, चाहे 100 रुपये दें, लाख दें, करोड़ दें, और हिंदुओं को मस्जिद बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए। इसको कहते हैं भाईचारा। सर, पर रिव्यू पिटीशन की हम जहाँ तक बात करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अब हम अपने जो वकील हैं उनसे बात करेंगे, रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। सर्वसम्मति से निर्णय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, क्यों इस झगड़े को लटका के रखना चाहते हो? अब मंदिर मस्जिद से आगे और भी तो देश में बहुत मुद्दे हैं, उधर भी तो बढ़ो, विकास के पथ पर आगे बढ़ो, है हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और भी बहुत, इस देश को व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के इतने इश्यूज हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ाओ देश को। सर, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाह रहे हैं। दूसरी, आप कह रहे हैं कि हमें सौहार्द के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दोनों ही आस्थाओं का ध्यान रखा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार कह रहे हैं ये खैरात है, हमें खैरात नहीं चाहिए है और हम अपनी नस्लों को बताएंगे। दरअसल ओवैसी को एक नया पाकिस्तान चाहिए, उसको हिंदुस्तान में आस्था नहीं है, उसको हिंदुओं से नफरत है, और वो मजहबी तौर पर इस देश में नफरत की राजनीति करके कोई एक नया मुल्क खड़ा करना चाहता है। अभी वो एमपी बन गया, अब वो चाहता है कि मैं किसी जो है एक ऐसा देश बना दूं, उसका मैं प्रधानमंत्री और बन जाऊं, और ये जो पूरी मुस्लिम कौम है उसका एक जो कहते हैं ना, एक माफिया टाइप, एक डोम टाइप को ऐसा बनने की फिराक में है। तो भैया, अब जो है थोड़ा रहम करो इस देश के ऊपर, बहुत झगड़े फसाद हो लिए, अब इस देश को और बांटने वाले काम मत करो। और ये ओवैसी साहब ना इंसानियत की कम, हैवानियत की ज़्यादा बातें करते हैं, ये विशुद्ध रूप से इस देश में एक तरह से गद्दारी की बातें करते हैं, माने खुददारी की बातें नहीं करते, लोगों को तोड़ने की बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। सर, कितने समय लग जाएगा राम मंदिर बनने? मुझे लगता है 3 से 5 साल में भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि इस मंदिर में वो चट्टाने लगेंगी, वो पत्थर लगेंगे, उस तरह की जो है पूरे वास्तु का, जो शिल्प विद्या हमारी, उसका प्रयोग होगा, जिसको हजारों हजारों साल तक हमारी पीढ़ियां देख सकें। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और उसका प्रारंभिक कार्य मुझे लगता है 2-3 साल में पूरा हो जाएगा।